आप कैसे एसोसिएटेड हैं इस यू नो ब्रह्म कुमारी जी से? मैं निरंजन हिरानंदानी हूँ। आज का जो फंक्शन रहा है उसमें मैं प्रोवोस्ट हूँ, हेड ऑफ HSNC यूनिवर्सिटी, HRKC कॉलेजेस के सब उसके अंदर उपस्थित हैं। और आज हमें बहुत बहुत खुशी हुई कि हम दादी नलिनी दीदी को जो यूनिवर्सिटी सेंट्रल अमेरिकन यूनिवर्सिटी का डीलिट मिला, वो हम उनको ये ऑनर दे सके हमारे ऑडिटोरियम के अंदर। तो बहुत खुशी होती है, इतने ज्ञानी, इतने स्पिरिचुअल, इतने फिलान्थ्रोपिस्ट, और जो यहाँ मुंबई एरिया के हेड हैं दादी नलिनी दीदी, बहुत अच्छा पूरे देश को उनके ज्ञान से, उनके प्रेम से, उनके भावना से, उनके स्पिरिचुअलिटी से एक अपलिफ्ट किया हुआ है। जैसे कोविड का समय में लोग कितने डिप्रेस्ड हुए, कितने लोग अपना काम उनको बिगड़ हो गए, काम नहीं मिला, अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको सबको सहानुभूति और अपलिफ्ट किए, और इस समय में भी लेकिन हमेशा वो ध्यान देती है, स्पिरिचुअलिटी देती है उन्हें। तो आज हमने उनको मान सम्मान हमारे कॉलेज में किया, इसलिए बहुत खुशी हुई। कितनी बड़ी ऑनर की बात है कि आपने खुद अपने हाथों से उनको वो मुझे लगता है कि वो जो ऑनर उनको मिला है ना, वो ऑनर भी अपलिफ्ट हो गया, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं बहुत कम मिलते हैं, और इनको देने से जो देते हैं ना उनको अपलिफ्ट हो गया है, क्योंकि नलिनी दीदी उस क्षेत्र के हैं जहाँ उनको तो 100 भी डीलिट मिले तो कम। सर और कुछ बताइए स्पिरिचुअलिज्म को लेकर, मतलब काफ़ी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन इट इज़ अ मस्ट फॉर यू नो अ वुमन्स अ पर्सन्स लाइफ। अभी देखिए ना, जर्मनी जैसे विश्व देश है, लेकिन वहाँ जब हिटलर आ जाए ना, तो ज्ञानी लोग जो इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे वगैरह भी वर्ल्ड वॉर 2 में जुड़ गए, कि वो समझते थे कि हम दूसरों से बड़े हैं, और जूस को ख़त्म कर दिए। लेकिन जब आपका ज्ञान स्पिरिचुअलिटी से साथ, सेवा के साथ जुड़ा देता है, तो फिर वो ज्ञान का एक महत्व होता है, सेवाधार होता है, एक भावना होती है कि हमें जो मिलता है ना उसकी एक सीमा रहती है, कि एक दिन हम चले जाएंगे, लेकिन जो सेवा हम करते हैं, सहानुभूति रखते हैं लोगों में, वो ये ब्रह्म कुमारी में है सेवा करने में। और मैं समझता हूँ नलिनी दीदी जो हजारों लाखों लोगों को शिक्षण दी है, कि जो ब्रह्म कुमारी में एंटर करते हैं उनको जो शिक्षण दी है वो सबको लाभ मिल रहा है, इसलिए उनको ये ऑनर देने से हमें ऑनर मिलता है। ओके, और कुछ हमारी ऑडियंस को आप कहना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस ब्रह्म कुमारी? मेरे अंदाज से ब्रह्म कुमारी लगभग, मेरे अंदाज से 30,000 सेंटर है विश्व में, 30-40,000 सेंटर है, इतने लोगों को फॉलो करते हैं लोग, उसमें मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं और सुख शांति पाते हैं। ये मेन मुख्य क्या रहता है कि हम लोग जो हमारे शिक्षण आज की तारीख में होता है वो ये होता है कि हम हमारे नीड्स कैसे पूरा करें, रोटी कपड़ा मकान मौज मस्ती ये वगैरह, लेकिन उसकी एक सीमा रहती है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जो पीस की भावना रहती है उसकी कोई सीमा नहीं रहती, और वो ये ब्रह्म कुमारी इसमें। ओके, आज कितना स्पेशल है आपका बर्थडे भी, मतलब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, सो वो भी आज सेलिब्रेट हुआ नलिनी जी मैम के हाथों, उसको कितना स्पेशल फील हो रहा है? तो बहुत ही बढ़िया लगता है, मुझे ख्याल नहीं आया, ये तो एक सरप्राइज आइटम बन गई ये कार्यक्रम में, और मैं आभारी हूँ कि इतने बड़े साक्षात के जुड़े में मुझे ये चांस मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू, वो भी मैं वुमेंस डे का बर्थडे है, धन्यवाद। नलिनी जी आज आप दीदी माँ से दादी माँ बन चुकी हैं, एक डिग्री एडअप हो चुकी हैं, तो कितना स्पेशल फील हो रहा है? स्पेशल फील की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने सन 1936-37 से जब से ये कार्य शुरू किया इस विश्व को नया बनाने का, और मैं जब आई तो मेरी उम्र 13-14 साल की थी, कुछ 5-6 वर्ष बीतने के बाद मैंने देखा कि यहाँ आने वाली माताएं कुमारी बन गई, और जो कुमारियाँ थी वो माताएं बन गई। तो मैं सोच रही थी, तो एक बार मैंने
ब्रह्मा बाबा से प्रश्न पूछा कि ये माताएं कुमारियाँ और हम माताएं, ये समझ में नहीं आती है बात। तो कहा देखो, ये सभी माताएं शादीशुदा हैं, तुम्हारी तरह बाल ब्रह्मचारिणी नहीं है, परंतु यहाँ आने के बाद इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो माता से कुमारी बनी और तुम, तो मैंने कहा मैं तो बच्चे पैदा नहीं किए, तो बोला नहीं तुम जगत माता बनोगी और हो, क्योंकि अभी तुम जो सेवाएं कर रही हो तो तुम सेवा किस भाव से कर रही हो कि सभी एक पिता परमात्मा के बच्चे हैं और मैं उनको परमात्मा का संदेश दे रही हूँ। तो प्रथम संदेश प्रभु का अपनी आत्मा के पिता का तुम दोगे, तो माता थे से लेकर हम तो उसी भाव में चलते हैं, हमारे लिए सभी हमारे बच्चे हैं। ओके, कितना डिफिकल्ट रहा 14 साल की उम्र में अपने घर बार सब कुछ त्याग दिया, सब जो पर्सनल लाइफ थी वो भी त्याग दिया, इस सेल्फलेस सर्विस में जुड़ गई, तो कितना डिफिकल्ट रहा? मेरे लिए डिफिकल्ट इसलिए नहीं रहा, कहते हैं जब प्यार हो जाता है ना तो इंसान में एक अद्भुत ताकत आ जाती है। तो मेरा भी किस्सा कुछ इस प्रकार ही रहा, मेरे में कोई का विश्वास नहीं था कि मैं कोई ऐसे ब्रह्मचारी जीवन जी सकूंगी, क्योंकि मुझे हर प्रकार के शौक थे, हर प्रकार के कलाओं में मुझे रुचि थी और मैं सीखती थी, आगे भी बढ़ी थी, परंतु मुझे ऐसा लगा कि मेरा प्रभु से प्यार हो गया है। और वो उम्र भी ऐसी थी मेरी जो युवावस्था की ओर आगे बढ़ रही थी, तो जब मेरा प्रभु से प्यार हो गया तो मेरे सामने जितनी भी बातें आती गई, तो कहते हैं ना मोहब्बत में कभी मेहनत नहीं होती, दिक्कत नहीं होती, और प्रेम समर्पणता सिखलाता है। तो स्वतः ही प्रेम ने मुझे समर्पणता सिखला दी, तो मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैंने कुछ छोड़ा, मैंने कुछ त्याग किया, क्योंकि मैंने इतना कुछ पाया और पाती जा रही हूँ कि मुझे कभी त्याग का एहसास नहीं हुआ। लोगों का इतना प्यार इतना सम्मान देके क्या महसूस हुआ? अपना भाईचारा, विश्व बंधुत्व की भावना, और सब मेरे अपने हैं, मैं किस किस से नाता जोड़ रही हूँ कभी इस संकल्प में भी बात नहीं है, क्योंकि सब मुझे अपने लगे, क्योंकि मेरे प्रभु पिता के सभी बच्चे हैं, ये बात एक जहन में बैठ गई है, इसीलिए मुझे कभी भी कोई विशेष ऐसी बातें। मतलब इतने सालों से आप सेल्फलेस सर्विस देती आ रही है, कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी कोई सर्विस चाहिए? नहीं, मैंने देखा कि जो भी सर्विस करने वाले हैं, जिस भी कैटेगरी के या कहो जिस भी वर्ग के, जो भी नेताओं से लेकर के नीचे तक, सभी हमारे पास आते हैं, सुख चाहिए, शांति चाहिए, अपने जीवन की कथाएं सुनाते हैं। तो अंदर से मैंने देखा हर एक की जीवन बहुत ही दुखी है, अशांत है, अंदर से वो खोखले हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, भले उनको मान सम्मान मिलता है, कईयों का प्यार भी मिलता होगा और मिलता है, परंतु संतुष्ट नहीं। तो गुजराती माँ कहवा ना, संतोषी नर सदा सुखी है। तो जीवन में संतुष्टता एक बहुत बड़ा गुण है, जिसने जीवन में संतुष्ट रहना सीखा तो कभी न दुखी होगा, न कभी अशांत होगा, न कभी उसको कोई भी बात में दिक्कत आएगी। ये जो दीदी माँ का टाइटल है, टैग है, ये आपको कब मिला और कैसे? ये टाइटल कोई दिया नहीं गया, मिला नहीं, बच्चा पैदा होता है ना तो ऑटोमेटिकली वो अपनी माँ को माँ कहने ही लगता है, तो ये सभी का प्यार है जो वो मुझे माँ कहते हैं, क्योंकि उनको शायद प्रभु के प्यार की भाषा आती होगी,
तो प्रभु माँ कहने से मजबूर करता होगा। आज आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिली है तो कितना खुश महसूस कर रहे हैं? ये संदेश तो हर जगह जाएगा। सच कहूँ हमें खुशी जो है ना प्रभु के दिल तख्त पर मैं बैठी हूँ, उसके दिल में विराज हुई हूँ, इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए है। मैं प्रभु की हूँ, प्रभु मेरा है, मैं जो हूँ, मैं जैसी हूँ, मैं उसकी हूँ, यही खुशी है मुझे। आजकल की जनरेशन होती है वो स्पिरिचुअलिज्म को ज़्यादा मानती नहीं है, जी उन्हें लगता है काफ़ी बोरिंग आउटडेटेड सब्जेक्ट है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे बीच में मत लाया। नहीं, मैं भी तो अपनी युवावस्था में इसी टाइप की लड़की थी जिनको हर प्रकार के शौक थे, और कभी मैंने धार्मिकता में आगे नहीं गई, कभी मैंने आध्यात्मिक बातें भी नहीं सुनी। हालांकि मेरे माँ के पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष थे, वेद उपनिषद कई शास्त्र पढ़े थे, उन्होंने खुद गीता की टीका लिखी थी। मेरी फूफी मेरे परिवार से बहुत सारे शास्त्रों को लिखने वाले पैदा हुए, लेकिन मैंने आज तक एक हकीकत बताती हूँ, मैंने कोई भी शास्त्र पढ़ा नहीं। हाँ, कभी ऐसे अपन पढ़ने ऐसे फिराते हैं, वो कभी फिरा के कोई एकाध चैप्टर देख लिया होगा, बाकी कभी मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि प्रभु ने ऐसा मुझे सर्वांगीण ज्ञान दिया है जिसमें सभी शास्त्रों का सार समाया हुआ है, और प्रभु को कभी शास्त्र उठाना नहीं पड़ता सुनाने के लिए। जो भी आज धर्म के ठेकेदार हैं, सभी हाथ में कोई ना कोई शास्त्र लेकर साधना करके या गुरु से सीख कर सुनाते हैं। प्रभु तो ऐसे नहीं सुनाएगा, प्रभु तो डायरेक्ट सुनाएगा। तो जाते जाते आप क्या कहना चाहते हैं हमारी ऑडियंस? मैं तो यही कहूँगी कि जितना आपको अपने जीवन की जो भी बातें हैं, चाहे खाना पीना पढ़ना लिखना करियर बनाना आगे बढ़ना बढ़ाना, भले आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी पद पर पोस्ट पर आप जाना चाहते हो, परंतु आप इतना निश्चित जानिए अगर आपको उसमें पूर्ण रूप से 100% सफलता चाहिए तो आपको प्रभु का साथ अवश्य कभी ना कभी अपना ईगो छोड़ करके लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बड़े बड़ों को देखा है इतने ईगोइस्ट होते हैं, परंतु जब तक वो ईगो का त्याग नहीं करते, नम्र नहीं बनते, तब तक उनके जीवन का सूर्य कभी चमक नहीं सकता, उनका करियर इतना उज्ज्वल नहीं बन सकता, क्योंकि सारी शक्तियाँ सारे गुण सारी विशेषताएँ प्रभु के अंदर है, और वही इसको देने में सक्षम है। हम किसी से भी जाकर मांगो, मैं कहूँ मैं आज आपकी तरह मैं भी ऐसे इंटरव्यू लेने लगूँ, मैं नहीं ले सकती, मेरे अंदर वो विशेषता नहीं है। तो ये विशेषता प्रभु ने आपको दी है, जो आप इतनी मधुरता से धीरेता से शांति से प्रेम से आप अपना कार्य वफादारी से कर रहे हैं, सभी को ये वरदान नहीं मिलते। तो ये मिलने के लिए कहीं ना कहीं कोई अच्छे कर्म आप करती हो, आप प्रभु को जरूर कभी ना कभी याद करती हो, जिसका ये फल आपको मिलता है। Thank you so much for talking with us. Thank you. Thank you.